Good morning students, I am Amita Seth, welcomes you in Believing Online Classes. And dear students, we were actually discussing about a poem of 9th class, that is Rain on the Roof, which is written by poet Skinny. So in the previous video, we saw that actually the poet is discussing about the nature. He praises the nature and it is a very lyrical type of a poem. उसने nature को बहुत ज़्यादा appreciate करा है, praise करा है और यहाँ पर उसने rainfall की बात करी है कि when actually wind जो rainfall है जब वो आती है तो क्या होता है clouds छा जाते हैं, काले घने बादल छा जाते हैं and here it compares or we can say symbolizes the rainfall to tears. Okay, कि उसने क्या symbolize किया है, rainy tears को symbolize किया है, कि काले बादल जो है वो sadness को symbolize किया है और जो rainfall होती है उसको tears से symbolize करा है. Okay, then what he did कि उसको actually rainfall की जो पैटर जो साउंड्स हैं, जो टैपिंग साउंड्स हैं उसको एक्चुअली सुनना बहुत अच्छा लगता है एंड ही यूज टू lie on the cozy bed और उसको अपने कुशन को हग करके वो जो टैपिंग साउंड है जो उसके रूफ पे गिर रही है रेन की वो उसे सुनना बहुत अच्छा लगता है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द सेम पोयम. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हर्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now in this paragraph what the poet is going to say that every tinkle on the shingles, tinkle mein kya hoti hai, sound jo hoti hai na, tinkling sound. So on the shingles, shingles kya hote hain, ki jo wooden tiles hoti hai na roof ke upar, hai na, jo lakdi ki tiles rakhi jati hai roof ke upar, usse hum shingles kehte hain. तो जो रेनफॉल हो रही है, जो उसकी आवाज है, जो उस वुडन रूफ के ऊपर गिर रही है, हैज एन इको इन द हर्ट, और वो एक्चुअली किसके हर्ट में एक इकोइंग साउंड ला रही है, यानी कि जो पोएट है उसको वो टैपिंग साउंड जो सुनकर, जो उसके रूफ पर बारिश की बूंदे गिर रही हैं उसको सुनकर जो पोएट है उनका जो हर्ट है, उनका जो दिल है उसमें एक इकोइंग साउंड आ रही है. Had a thousand dreamy fancies. Fancies means imagination. और इस माहौल में ये जो जिस तरह का जो environment बना हुआ है, जो climate बना हुआ है, उसमें उनको बहुत सारे fancies यानी imagination हो रही है, वो dream कर रहे हैं अलग अलग तरह का, ठीक है. Into busy being stirred and a thousand recollections weave their ear threads into woof. So woof means होता है क्लोथ. तो जिस तरह क्लोथ को बुनने के लिए क्या होता है, धागा जो होता है, थ्रेड, उसकी वीविंग करी जाती है, इज़न्ट इट. सो उसी तरह से जो पोएट है वो क्या कर रहा है, अपने सपनों को, मतलब इस वेदर में अपने सपनों को बुन रहा है. जिस तरह क्लोथ को बुना जाता है हर एक थ्रेड की हेल्प से, उसी तरह ये जो बारिश की बूंदे हैं उनको सुनकर उसको बहुत अच्छी इमेजिनेशन हो रही है और वो क्या कर रहा है, अपनी जो यादें हैं उनको रिकॉल कर रहा है, जो पुरानी उसकी जो कुछ अच्छी गुड मेमोरीज हैं उसको रिकॉल कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, उनको धीरे धीरे बुन रहा है, यानी उनको क्या कर रहा है, धीरे धीरे याद करता जा रहा है, यानी वो ड्रीम्स में है. ओके, एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. और ये कब होता है कि जब वो रूफ के ऊपर जो बूंदे गिर रही हैं, जब उनको वो सुनता है तो उसे क्या होता है कि कुछ अच्छी मेमोरीज याद आती हैं और वो आराम से कॉजी बेड पर लेटे हुए उन मेमोरीज को क्या कर रहा है, रिकॉल कर रहा है, कुछ सपने बुन रहा है, ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पोएटिक डिवाइसेज ऑफ द पोयम. सो नाउ द फर्स्ट इज अलिटरेशन, ठीक है. अलिटरेशन किसमें है, टिंकल ऑन द शिंकल्स. नाउ अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो कोई फर्स्ट लेटर रिपीट हुआ नहीं, तो आपने ये कैसे बोला, यहाँ पर तो ना टी रिपीट है ना एस रिपीट है. लेकिन आप साउंड पे ध्यान दीजिए, द साउंड इज रिपीटिंग, जैसे टिंकल शिंगल,
ठीक है, ई की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, इसलिए हमने इसको अलिटरेशन करा है। अलिटरेशन है या रिफ्रेन होता है या फिर आप देखिए रिपीटेशन होता है। तो अलिटरेशन में हमेशा क्या होता है, साउंड्स पे फोकस किया जाता है। ओके, कॉन्सोनेंस अलग होता है, एसोनेंस अलग होता है, ठीक है। कॉन्सोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंट आपको जानते हैं कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना अल्फाबेट में, सो कॉन्सोनेंट साउंड होती है और उसके बाद में एसोनेंट साउंड होती है। एसोनेंट साउंड किसकी होती है, वॉवल्स की होती है, यानी ए ई आई ओ यू, यानी इनकी जो साउंड है वो क्या है, एसोनेंट साउंड है। जहां पर ए की साउंड रिपीट हो रही है, ई की, आई की, तो ये एसोनेंस है। और कॉन्सोनेंस क्या होती है, बाकी की जो हमारे 24 अल्फाबेट्स हैं, 5 वॉवल्स हैं और 24 बाकी के जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, उनकी साउंड जैसे बी है ना, सी है, और जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं बाकी के, आर है, तो उनकी साउंड जब बार बार रिपीट होती है दैट इज कॉन्सोनेंस, और जब वॉवल्स की साउंड रिपीट होती है दैट इज एसोनेंस है। ओके, सो यार टिंकल ऑन द शिंगल्स, ई की साउंड रिपीट हो रही है। देन नेक्स्ट इज बिजी बींग्स, ब की साउंड रिपीट हो रही है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस इज मेटाफर। मेटाफर में क्या है कि वीव देयर एयर हैड्स इनटू वूफ, यानी उसने क्या करा है, जो वो ड्रीम्स, वो जो बुनता है, जो वो रिकलेक्ट कर रहा है, जो सपने बुन रहा है, ठीक है, उसको किससे कंपेयर किया है, उसको धागों से कंपेयर किया है, कि जिस मतलब वो क्या कर रहा है, अपने सपने बुन रहा है, तो उन सपनों को ही बुना हुआ मान लिया गया है। ओके, सो दैट इज मेटाफर, यानी वो जो अपने सपने बुन रहा है उसको धागे से कंपेयर किया गया है, कि जिस तरह एक कपड़ा जो होता है उसको बुना जाता है धागे की हेल्प से, उसी तरह से वो क्या कर रहा है, अपने ड्रीम्स भी बुन रहा है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पोयम एंड दिस इज इट फॉर नाउ। विल डिस्कस द नेक्स्ट पैराग्राफ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग। कम्स माय मदर एज शी यूज्ड इन इयर्स अगोन। सो अब जब वो रेनफॉल हो रही है, इतना अच्छा मौसम है, एंड इन द प्रीवियस पैराग्राफ वी स्टडीड कि वो क्या कर रहा है, वो ड्रीम्स देखना स्टार्ट कर रहा है, कुछ अपनी मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रहा है। सो एज ही वॉज एक्चुअली इन द ट्रेन ऑफ हिज मेमोरी, सो इन दिस ट्रेन ऑफ हिज मेमोरी ही रिकॉल द मेमोरीज ऑफ हिज डिसीज्ड मदर। ओके, यानी उसकी जो मदर हैं जो अब नहीं रही हैं, उनकी मेमोरीज वो रिकॉल कर रहा है, और वो ये बोल रहे हैं कि जब वो रेनफॉल की बूंदें जब उसकी रूफ पे गिरती हैं, वैसे वैसे जो उसकी यादें हैं वो क्या हो रही हैं, पीछे मतलब मेमोरीज जो हो रही वो रिकलेक्ट होती जा रही हैं, और वो उसमें अपनी मदर की जो अच्छी गुड मेमोरीज है उनको वो याद कर रहा है। सो एज शी यूज इन ईयर्स अगोन, अगोन मीन्स क्या होता है, पास्ट, अगोन मीन्स पास्ट होता है ना, सो अगोन मीन्स पास्ट। तो जब पास्ट में उनकी मदर किस तरह उनसे बिहेव करती थी, किस तरह उनकी फॉर्म थी, किस तरह उनको लव करती थी, वो उसको याद आ रहा है। टू रिकॉर्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स and she left them till the dawn। यहाँ पर darling dreamers किसे बोला है, the children of the mother, यानी कि जो poet है या उसके जो siblings हैं उनको बोला गया, उनके जो भाई बहन हैं उनको सबको उनकी मदर जो है वो किस तरह से रात भर हग करके सोती थी और बहुत प्यार करती थी आफ्टर देयर स्लीपिंग, सो बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार करा करती थी, और जब तक अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह नहीं हो जाती, डॉन, डॉन कौन सा वक्त होता है, मतलब सूरज की जो किरण निकलती है उससे पहले का जो भोर का समय होता है ना, उसे हम डॉन कहते हैं, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग जब उनकी मदर उनको मतलब छोड़ के काम करने जाती थी, तब तक रात से लेकर अर्ली मॉर्निंग तक, डॉन के टाइम तक, वो उन्हें बड़ा अच्छे से सुलाती थी, ढेर सारा प्यार करती थी, और क्या करती थी, उन्हें हग करके सोती थी। तो ये सारे जो लव मेमोरीज हैं, जो ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, अब वो पोएट को याद आ रही हैं। Oh, I feel here fond look on me as I listen to this refrain. तो रिफ्रेन मतलब क्या है कि जो म्यूजिकल साउंड है रेन का, यानी जो टैपिंग साउंड है रेन का, जब
कोई उसे सुन रहा है तो उसे ये मतलब मेमोरी आ रही है कि किस तरह रात को सोते हुए जो उसकी मदर है वो किस तरह उन्हें प्यार से देखा करती थी और प्यार से सुलाया करती थी। यहाँ लिस्ट मतलब क्या है, लिसन, ठीक है। तो जब वो सुनते हैं रेन की ड्रॉप्स को तब उन्हें अपनी मेमोरीज क्या हो रही है, रिकलेक्ट हो रही है। ओके, विच आई प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो ऑब्वियसली जो रेन कहाँ गिर रही है, रूफ के ऊपर गिर रही है, छत के ऊपर जो लकड़ियों के टाइल्स हैं उसके ऊपर, जब वो रूफ के ऊपर रेन गिर रही है उनकी बूंदों की आवाजों के साथ जो पोइट है वो अपनी मदर की यादों को, जो स्वीट मेमोरीज हैं उनको याद कर रहा है कि हाउ हर मदर वॉज फॉन्ड ऑफ हिम, किस तरह उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो वो ये सारी मेमोरीज क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। नाउ लेट्स सी अबाउट द पोएटिक डिवाइस। देयर आर ओनली वन पोएटिक डिवाइस इन दिस पोयम, सॉरी इन दिस पैराग्राफ विच इज यूज्ड, दैट इज अलिटरेशन। अलिटरेशन कहाँ यूज हुआ है, देखिए डार्लिंग ड्रीमर्स, द साउंड जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, दैट इज डार्लिंग ड्रीमर्स। तो यहाँ पर क्या है आएगा, अलिटरेशन आएगा। ओके, सो दिस इज द पोयम, आई हैव कंप्लीटेड द पोयम रेन ऑफ द रूफ, रिटन बाय पोएट स्कीनी, एंड होपफुली यू अंडरस्टैंड द पोयम एंड आई विल सेंड यू द PDF ऑफ क्वेश्चन आंसर्स एंड हार्ड मीनिंग्स और द थीम ऑफ द पोयम, एंड यू हैव टू डू इट इन योर फेयर नोटबुक। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस पोयम यू कैन कॉल मी और मैसेज मी ऑन माई personal number. Thank you.